प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर पालमपुर एक अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है, जहां वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, 3D, 4D अल्ट्रासाउंड एवं गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य एवं दिल की जांच की सुविधा उपलब्ध है। सेंटर के संचालक डॉक्टर मनीष वर्मा को 13 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और हम आपके स्वास्थ्य का मूल्य और महत्व पहचानते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अल्ट्रासाउंड मशीन के इस्तेमाल से यहां आप गंभीर बीमारियों में भी सटीक रिजल्ट पा सकते हैं। विधानसभा जयसिंहपुर में प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए जा रहे गौ सदन के लिए विधायक रवि धीमान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सदस्य बनाने, उसके संचालन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। यह गौ सदन 90 कनाल जगह में बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से 16 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर 350 कनाल जगह चिन्हित है। इस समय यहां पर स्थानीय लोगों द्वारा जन सहयोग से गौ सदन चलाया जा रहा है, जहां इस समय 40 के करीब पशु हैं। यहां अधिकारी वर्ग के अलावा करीब 2 दर्जन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जबकि यहां कमेटी गठित कर इसे 1 अप्रैल से सुचारू करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायत तलवाड़ में कार्य कर रही जन कल्याण संस्था के प्रधान कुलदीप ठाकुर ने कहा कि उनकी संस्था का एक आदमी हर दिन यहाँ अपनी सेवा प्रदान करेगा। विधायक रवि धीमान ने सरकार की तरफ से भी हर संभव सहायता के लिए वचनबद्धता दोहराई व जन सहयोग की अपील की। और इससे क्या हुआ कि हमारी फसल जो है, जो गाय बर्बाद कर रही थी, वो ठीक बच गई। तो आपको इसके लिए खर्चे का आपने खुद किया या लोगों से एकत्रित किया? ये शुरू शुरू में हमने लोगों से 30-30 रुपए लेना शुरू किए, लेकिन बाद में जब ज्यादा काम बढ़ गया तो फिर 50-50 कर दिए। अब इसमें कई लोग 100 भी देते हैं, कई 50 देते हैं और कई इन्होंने देना बंद कर दिया। इस टाइम कितनी गौएं हैं यहाँ पर? इस वक्त हमारे पास 35-40 के बीच में गायें रहती हैं। अच्छा, अब क्या सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पे अब नया गौ सदन नए तरीके से बन रहा है? मेरी अपेक्षा यही है कि इस एरिया में एक आदर्श गौशाला बन जाए, जिससे लोग प्रेरणा लें कि हम भी अपने इलाके में गौशाला खोलें। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए जयसिंहपुर से कुलवंत शर्मा की रिपोर्ट।